क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे। बहुत ही बढ़िया नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, अद्भुत प्रदर्शन। और ये नजारा जब गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने जीते हो, भारत के दो सपूत एक साथ भारतीय ध्वज के नीचे। हाँ 87 मीटर की थी, नीरज ने कहा तुम्हारी माँ की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। And Neeraj has already, in such a young age, he has already created himself as a legend. So Neeraj, legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with another, yet another amazing performance. Fans speak, oh my God, Neeraj the golden boy, ek baar phir number one pe, wow, bhai, wow, yaar, dil khush karke rakh diya, golden boy, Neeraj Chopra again, Chinese ke maidan mein, unke desh mein ek baar phir India ka tiranga number one, bhai. Ek baar phir se Neeraj Chopra ne jo tareekh rakam kar di hai, Daud saab, ye ho kya raha hai, Neeraj Chopra jab jata hai, gold lekar aa jata hai, pata nahi Neeraj Chopra khata kya hai, karta kya hai, aur hamara wala bichara, wo bichara bhai hi ho gaya, final sab ko injury ho gayi. Wo excellence hai hi hai, Neeraj to golden boy hai hi hai, brilliant है ये, दूसरे नंबर पे किशोर कुमार, वो भी इंडिया का, ये कितनी प्राउड की बात है। और तीसरी बात के 83 मेडल यार, इंडिया 83 मेडल और हम टॉप 10 में भी नहीं है यार, ये देखो 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा, 88.88 का फेंका उसने जैवलिन थ्रो जर्शत, और हम भी आज तीसरा मेडल जरूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए। खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय 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 किशोर ने, वाह वाह वाह, डिस्पाइट चाइनाज बेईमानी, पहले आपकी बच्ची के साथ किया, जलील ख्वार हुए, आज नीरज चोपड़ा टाइमर ही स्टार्ट किया, क्योंकि अपना जो है वो 70 मीटर भी नहीं फेंक रहा था, इसके बावजूद नीरज एंड किशोर 1-2 फिनिश, इंडिया गोल्ड, इंडिया सिल्वर, लानत बेईमानों पे, लानत बेशर्मों पे, और ये ऊपर वाले की लानत होती है, अगर अर्शद भी होता तो 1-2-3, यू नेवर नो, क्या पता नीरज के साथ अर्शद होता, क्या पता नीरज के साथ किशोर होता, बहरहाल पाकिस्तान भी होता, बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। 4x4 मीटर रिले में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, बहुत बहुत मुबारकबाद। 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा, 88.88 का फेंका उसने जेवलिन थ्रो, हालांकि पहला चाइनीज बेईमान, बेईमानों ने पहला जो है वो नोट ही नहीं किया। नीरज ने कहा ठहरो मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल तुम हमारे साथ खेलते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर जो खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय 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 किशोर ने, वाह वाह वाह, 400x400 मीटर रिले गोल्ड, 80+ इंडियन मेडल्स, एक और तारीख साज दिन था आपके लिए, यकीन था प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि जनाब नीरज चोपड़ा डाउन टू अर्थ, जमीन के साथ लगा हुआ नीरज चोपड़ा, जो हमेशा हर एक को सपोर्ट करता है, चाहे अर्शद हो, चाहे अपने एथलीट हो, कोई भी हो, वो जाता है और जाके जो है सबको बकअप करता है, सबका हौसला बढ़ाता है। हाँ 87 मीटर की थी, नीरज ने कहा तुम्हारी माँ की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। किशोर जैन जो है वो भी पेरिस ओलंपिक्स में गया, नीरज पहले ही क्वालिफाई कर गया था। तो सुनिए, अविनाश ने सिल्वर सैबले में जीता 5000 मीटर, गोल्ड मेडल 3000 मीटर, हिस्टोरिक गोल्ड और सिल्वर नीरज और किशोर जैना के लिए है। गोल्ड 88.88, सिल्वर 87.54, पेरिस ओलंपिक में चले गए। 400 मीटर रिले में अनस, अमोज, अजमल, राजेश ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, इनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चाइनीज आप 5 करोड़ मेडल जीते, रोए धोए और दुनिया भर को कोविड का तोहफा दे, लेकिन शर्मिंदगी आपका इंतजार करेगी, हर जगह आपको शर्मिंदगी होगी। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, ये एशियन गेम उसके लिए क्या क्या मायने रखती है, क्या बेचती है एशियन गेम। वेल डन, वेरी वेल डन इंडिया के दोस्तों,
बात करते हैं, इंडिया हैज फाइनली क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ मोस्ट मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023. 81 मेडल्स इंडिया के नाम अभी तक हो चुके हैं, और जो मेडल्स की टैली है इंडिया की, वहां इंडिया का जो वार है, जो झपट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है. और वही जिस तरह हमने आपको 10 दफा बताया, द राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट ऑनेस्टी विल गेट यू दीज रिजल्ट्स. ये एक साल, दो साल, एक झटका, दो झटके की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है जिसके रिजल्ट्स फाइनली अब टीम इंडिया जो के क्रिकेट से हट के दूसरे मैदान में खेल रही है वहां दिखाई दे रही है. आज नीरज चोपड़ा के साथ एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, ही वाज आइंग 90 मीटर्स का मार्क काफी अरसे से, लेकिन जो टेक्निकल रिटर्न के ऊपर जो टेक्निकल इशू हुआ, 10 मिनट का डिले हुआ, उस सारे मामला तो परे हटके, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद, फिर एशियन गेम्स पिछले में दो गोल्ड अब हो चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफा सिल्वर आया, एक दफा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया. एंड नीरज हैज ऑलरेडी इन सच अ यंग एज, ही हैज ऑलरेडी क्रिएटेड हिमसेल्फ एज अ लेजेंड. सो नीरज लेजेंड चोपड़ा, द इंडियाज गोल्डन बॉय, हैज वन अनदर गोल्ड विद अनदर येट अनदर अमेजिंग परफॉर्मेंस. यहां टेक्निकल इशू के तहत, हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें, 10 मिनट के ब्रेक के बाद जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही, फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुई नीरज की, जो कि टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट थी, दैट वाज अ लो 82.38 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन फिर उसके बाद नीरज ने पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिल्वर गोल्ड भी अपने नाम किया. और इंडिया के लिए जैवलिन के अंदर एक और गुड न्यूज यह आई कि सिर्फ गोल्ड नहीं नाम हुआ, सिल्वर भी नाम हुआ. सो होगा जर्शद, और हम भी आज तीसरा मेडल जरूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए, सही जगह पे हो रही है. लेकिन जैवलिन थ्रो जहां इंडिया ऑलरेडी नीरज की वजह से बड़ा तगड़ा एक तगड़े ओपोनेंट बनकर दुनिया के सामने उभर रहा है, वहीं आज एक और गुड न्यूज है, किशोर कुमार जैना ने आज सिल्वर अपने नाम किया 81.26 की यहां थ्रो. एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है, दाऊद साहब ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है, और हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा बाहर ही हो गया फाइनल से, उसको इंजरी हो गई. नीरज चोपड़ा एक बार फिर तारीफ रकम कर गया, एक बार फिर से इंडिया को जो है वो गोल्ड जिता गया, ना सिर्फ नंबर वन बल्कि नंबर टू भी जो है जैवलिन थ्रो के अंदर जो इंडिया की तरफ से बंदा हुआ है सिलेक्ट है कि नीरज चोपड़ा, जिनको नाम दिया गया गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया. ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा. नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है, 88.88 मीटर की थ्रो मार के जैवलिन में अपना नाम कमा लिया. जैवलिन थ्रो में नंबर एक आए हैं, नंबर दो किशोर कुमार 87.54 मार दिया, 87.54 बड़ी जबरदस्त थ्रो थी. जबकि डीन है, इन्होंने 82 की मारी, बहुत डिफरेंस है, यानी कि बहुत डिफरेंस है, यानी कि अगर आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है. जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं, तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं. लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा है, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे, लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता, अली जरूर मिलता, इंशाल्लाह मिलता अगर वो खेलते अर्शद नदीम की. लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा वो नहीं खेले, ठीक है गोल्ड ना भी मिलता लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता. लेकिन इस टाइम भारत ने तारीख रकम कर दी, अली साहब 83 मेडल एशियन गेम्स में इंडिया ले चुका है, 83 मेडल लगातार इंडिया जीत रहा है.